चंद्रमा और उसके चरणों का मानव जीवन पर प्रभाव पर बहस सदियों से चल रही है। विभिन्न सांस्कृतिक विश्वास और लोक कथाएं इस धारणा को बढ़ावा देती हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण न केवल महासागरों पर ज्वार भाटा को प्रभावित करता है बल्कि मानव शरीर पर भी प्रभाव डालता है। चंद्रमा का प्रत्येक चरण हमारे मूड व्यवहार और मन की स्थिति पर गहरा असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी पूरी आभा में होता है लोग इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। पर्वतों पर आयोजित फुल मून पार्टियां खुशी और उत्साह का प्रतीक बन गई हैं। कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि चंद्रमा के चरणों का मानव नींद पर असर हो सकता है। विशेष रूप से पूर्णिमा के समय लोग उदासीनता और नींद की कमी का अनुभव करते हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता और मूड प्रभावित होते हैं। चूंकि हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना है इस धारणा को बल मिलता है कि चंद्रमा का पानी पर प्रभाव हमें भी प्रभावित कर सकता है। यह संभावना मात्र अटकलें नहीं है, इसके पीछे एक भावनात्मक जुड़ाव है जो प्राचीन संस्कृतियों के विश्वास से जुड़ा है। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान इस विषय पर मिश्रित परिणाम प्रस्तुत करता है। कुछ अध्ययन चंद्रमा के चरणों और मानव व्यवहार के बीच कोई ठोस संबंध नहीं खोज पाते हैं। विशेष रूप से लूनर इफेक्ट के सिद्धांत पर आधारित वो विश्वास कि पूर्णिमा के दिनों में आक्रामकता या चिंता में वृद्धि हो सकती है तब भी चुनौती दी जाती है। इस प्रकार के मिथकों के बावजूद वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति ज्यादातर जीवन शैली, माहौल और व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में चंद्रमा का मानव शरीर पर प्रभाव ज्यादातर सांस्कृतिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर निर्भर करता है। यह एक अध्ययन का दिलचस्प विषय है और आगे की खोज का संकेत देता है। अंततः हम कह सकते हैं कि जब तक चंद्रमा और उसके चरणों का प्रभाव आंकड़ों के साथ प्रमाणित नहीं किया जाता तब तक यह केवल एक आकर्षक विचार और सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहेगा